पहले एक कमेंट इसी बयान पर, क्योंकि इसी से जो विपक्ष है वो आग बबूला है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना है, फैलाना नहीं है। और उसी के साथ कुछ और भी यहाँ पर बड़े बड़े बयान है, मेरे पास पूरी लंबी लिस्ट है, वो भी बताऊंगी, लेकिन एक बार पूजा मिश्रा आपके पास मैं आना चाहूंगी। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो जिम्मेदार होते हैं वो भय से बचाने का काम करते हैं, फैलाने का नहीं। और आपको कहां इसमें ये लगता है कि जो भय फैलाने का काम मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, अगर वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ना बंटने की बात कर रहे हैं, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, उसके आधार पर अगर मुख्यमंत्री ने ये कह दिया तो इसमें भय फैलाने जैसी स्थिति आपको कहां से नजर आती है? अर्चना जी आपको नमस्कार और साथी प्रभाव को मेरा नमस्कार। अर्चना जी आपको इसमें कहां दिख रहा है कि कह रहे हैं ना बटे? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, आप ये तो देखिए ना, उन्होंने ना बटने की बात ही कहाँ की, वो तो सीधा सीधा डर फैला रहे हैं, खौफ फैलाना चाह रहे हैं, और कौन बटेगा तो कटेगा। इसके आगे भी उन्होंने एक शब्द कहा है, इसके आगे भी उन्होंने एक शब्द कहा है पूजा, उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक होने की एकजुटता की बात की ना उन्होंने, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मैं समझ रही हूँ, मैंने उनका पूरा बयान सुना हुआ है अर्चना जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिस तरीके से नफरत फैलाना चाहते हैं ना मुख्यमंत्री जी, वो किसकी बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे? तो आप क्या कहना चाह रहे हो, आप धर्म की राजनीति पे आ गए हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप किसको एक कर रहे हो, कौन एक कटने जा रहा है? जब कांग्रेस नेताओं के बयान आते हैं इसमें तो आपको आपत्ति होती है कि भाई बांग्लादेश का मैटर है। जब बांग्लादेश का मुद्दा हुआ आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हम आपके बैठक में गए, हमने कहा हम आपको समर्थन देते हैं सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करे वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार ना हो, वहां पे भारतीयों के साथ अत्याचार ना हो, हम आपके साथ में खड़े हैं। और उसके बाद में बाई इलेक्शंस आ गए हुए हैं, आपने 2024 में मुंह की खा ली है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये जो है फिर से धर्म के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के वक्तव्य सूट नहीं करते हैं। और अभी इनको सारे वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, फिर आप धर्म की बात करते हैं तो आप भी तो जाति की बात करते हैं, आप नहीं पीढ़ी पीढ़ी का नारा देते हैं, उसमें जातिवाद नहीं नजर आता। ठीक है पूजा जी, वापस आऊंगी आपके पास। सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और राजनीति की अच्छी परख है, उनसे भी समझेंगे। सौरभ आपसे समझना चाहेंगे, अगर मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र की बात, एक जुटता की बात, एक होने की बात कह दी, उन्होंने ये कह दिया कि जो पहले पाकिस्तान में हुआ फिर बांग्लादेश में हुआ, हमारे देश में वो गलती ना दोहराई जाए, उसके लिए हमें एक होने की जरूरत है, तो उसमें विपक्ष को क्यों भय देश को बांटने की बात या फिर उन्हें ये आपत्तिजनक टिप्पणी लगती है? नहीं बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ जो है वो 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के मुखिया हैं, और उन्होंने सिर्फ प्रदेश को एक जो है ये मैसेज नहीं दिया, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है। जिस प्रकार से बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो बांग्लादेश की स्थिति अभी हमने देखी है कि बांग्लादेश में किस तरह का अराजकता का माहौल फैला हुआ है, बांग्लादेश में जो है जो हिंदू हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, भाई इसमें धर्म और जाति की बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम हिंदू हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, सब इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन अगर वो बाहर के देशों में पाकिस्तान में उनके साथ कुछ होता है, बांग्लादेश के अंदर कुछ होता है, तो ये तो राजनीतिक व्यक्तियों को सोचने और समझने का विषय है कि हमको ये मैसेज अपने समाज को देना चाहिए कि आप एकजुट रहो। भाई घर का मुखिया होता है वो यही कहता है, चार भाई हैं चार बेटे हैं उसके, तो पिता यही कहते हैं कि बेटा चारों लोग एक साथ रहो, अगर एक साथ रहोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, अलग अलग बटोगे तो लोग जो है तुमको भड़काएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसमें तो कोई हम एकजुटता वाली बात कही गई है, लेकिन उन्होंने कहीं ये थोड़ी ना कहा कि भैया आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, आपको ये कह ऐसा कोई मैसेज इसमें दिया जा रहा है कि भैया अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम आपको कट्टरता फैलाएंगे, काटेंगे। काटने का उन्होंने मैसेज नहीं दिया, उन्होंने कहा कटेंगे, मतलब आप एकजुट रहो, सही है कि आप एकजुट रहोगे, सुरक्षित रहोगे, अपने समाज को संभालोगे, परिवार बन के रहोगे, और अगर कट्टरता की बात जो है कोई करता है तो जिस प्रकार से अभी हमारे पैनल में देख रहे हैं जिनको परेशानी हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो तो उन लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं बांग्लादेश के साथ जो है, बांग्लादेश में तो इन लोगों ने मुंह में दही जमा हुआ था, बांग्लादेश के लिए तो एक शब्द नहीं बोला, बंगाल में जो स्थिति हुई, बंगाल में जो घटना हमें देखने को मिली वहां पर एक शब्द नहीं बोला। भैया ये समय मैसेज आप जो है अगर ये दे सकते हो कि सब एकजुट रहे,
तो इसमें किसी को, देखिए योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो हमेशा से इस तरह की भाषा की रही है, लेकिन उसमें कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो किसी को जो है कट्टरता की बात कर रहा हो, क्योंकि गोरखपुर का क्षेत्र अगर आप उनका देखते हैं, जितने हिंदुओं का जो है वो ख्याल रखते हैं उससे ज्यादा मुसलमानों का भी ख्याल रखते हैं, उनके क्षेत्र का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो पूजा जी मैं बीच में बोल रहा था, आप सभ्यता के साथ, सभ्यता के साथ बात करिए, मेरा निवेदन है आपसे, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, महिलाओं का इस देश में जिस प्रकार से अभी सम्मान नहीं हो रहा, हम लोगों का कर्तव्य बनता है सम्मान करें। पूजा जी देखिए आपको समय दिया गया, मैं वापस आपके पास आऊंगी, देखिए डिबेट में सबको मौका दिया जाएगा, डिबेट खराब करने की, उसको ड्रिल करने की कोशिश मत करिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास, सौरभ जी अपनी बात पूरी करें। देखिए जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के विषय को लेकर के अगर आप भड़काने और भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि अभी दो झूठ आपके चैनल में बोला गया, प्रियंका जी ने बोला दो झूठ जो है, प्रियंका जी ने पहला झूठ ये बोला कि वो किसानों को लेकर के जो कंगना रनौत का बयान था, कंगना रनौत का जो बयान था वो बिल्कुल सही बयान था, उस बयान के साथ मैं खड़ा हूं, और उस बयान को बकायदे मीडिया में दिखाया गया, और वो वहां पर तथ्यों के साथ जो है मैं आपको पेश कर सकता हूं, उसमें आप झूठ ला नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी अगर कंगना रनौत के बयान से सहमत नहीं है तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन कंगना रनौत ने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, उनके साथ सोशल मीडिया पर भी आप चले जाइए, तमाम लोग समर्थन उनका कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सत्य को रखा है, और सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता प्रियंका जी। दूसरी बात, अभी इन्होंने देखिए आरक्षण को लेकर के कही, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आई है, कौन सा उसने आरक्षण खत्म कर दिया, कौन सा उसने संविधान के खिलाफ बात करी, अभी भी जो इन्होंने झूठ और भ्रम का मायाजाल फैलाया था, बावजूद उसके चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री ने अभी भी मंच से ऐसी बातें नहीं कही, उल्टा जो है ऐसी बातों को नकारा, और एक ही बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कोई हिला नहीं सकता है, तो इस बात को समझने की जरूरत। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सौरभ जी आपने अपनी बात रखी, नाजिम खान जी, नाजिम खान एक मिनट, एक मिनट, प्रियंका जी वापस आऊंगी, प्रियंका जी आप रखिएगा बचाकर अपना सवाल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। नाजिम खान आपसे समझना चाहेंगे, हमने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को लेकर ये कहा कि योगी जी अपने भाषण से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, जरा आप बताएं जो उन्होंने बयान दिया, एकता की उन्होंने बात इसमें की है, तो मुसलमानों को कहां से टारगेट कर दिया? अर्चना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, और मुल्क के सूबेदार जो हमारे वजीर आला हैं माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी, तो मैं उनके बारे में एक बात ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कटेंगे तो कटेंगे, तो ये बता दीजिए, हम लोग तो सब एकजुटता की बात करते हैं, हम लोग चाहते कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, तो इसमें कटने वाली बात कहां से आ गई? और दूसरी बात ये, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर के अंदर एक घटना घटी, एक हाजी साहब की आलिशान बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया बुलडोजर के द्वारा, उनकी कार तक भी तोड़ दी गई, और इल्जाम क्या लगा है, इल्जाम सिर्फ था छिपे, उन्होंने पुलिस पे पथराव कर दिया। देखिए हमारा देश सर्वोपरि है और ये संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन जिस तरीके की बात अगर देश के अंदर करी जाती है तो ये गलत है। अभी जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि देखिए हम लोग ने राशन भी दिया, हम लोग ने सड़कें भी बनवाई, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके की बात करिए, तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, क्या आप बता दीजिए 11 साल आपको होने जा रही है, तो ये बता दीजिए आपने 2 करोड़ और नौकरी देने का वादा किया था, कितनी नौकरियां थी? और दूसरी बात यह कि आपने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, भारत के अंदर कौन सा स्मार्ट सिटी है उसका नाम गिनवा दीजिए। और तीसरी बात यह महिलाओं की बात आती है, महिलाओं, नाजिम जी जरा डिबेट की गंभीरता को समझिए, देखिए हर डिबेट में अलग अलग मुद्दे पर चर्चा होती है, इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बांग्लादेश में जो स्थिति इस वक्त है, और जिसको लेकर ये उम्मीद की जाती थी कि विपक्ष भी उसको लेकर सामने आए, खड़ा हो, उसको लेकर बोले, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अगर आज मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जो बांग्लादेश की स्थिति वो हम किसी दूसरे देश में ना हो, हमारे देश में ना हो, उसके लिए हमें एकजुट रहने की जरूरत है, उसी का एक उदाहरण देते हैं, उन्होंने कह दिया, तो उसमें मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात कहां से आ गई? आप महिलाओं नौकरियों की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी एक रखेंगे चर्चा, उसमें आप रखिएगा इस बात को, सबसे पहले बात जाति धर्म राष्ट्र की हो रही है, उसको लेकर जरा आप मुझे पहले जवाब दें।
हाँ अर्चना जी देखिए, अभी आपने बांग्लादेश की बात करी, तो देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से फुटेज आ रही है तो वहां पर मानवता का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी मानवता के साथ खड़ी है और चाहती है कि बांग्लादेश जो भारत का अखंड हिस्सा हुआ करता था, आज मौका है, हम कहते हैं केंद्र सरकार से कि बांग्लादेश को अखंड भारत का हिस्सा बना लीजिए और पाकिस्तान की क्या हैसियत है, पाकिस्तान को तो हम जन्म से भारत के अंदर मिला लेंगे। तो मैं कहता हूँ की एकजुट होने की जरूरत है ना, भारत के अंदर बहुत अच्छा मौका है, तो इससे बढ़िया मौका और कहां जाएगा। और अर्चना जी दूसरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ कि मुल्क के सूबेदार जो है योगी आदित्यनाथ जी, तो मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि पटेंगे तो कटेंगे, देखिए हम लोग पटने वाले नहीं है, हम लोग वो लोग हैं कि हमने ब्रिटिश हुकूमत को भारत की जड़ों से हिलाकर बाहर फेंक दिया था, हम वही एकता वाले, हम पटने वाले नहीं है, हम मुल्क में चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन और सुकून। चलिए ये अच्छी बात, ये अच्छी बात निकल कर आई नाज़िम जी कि हमें अमन से रहना है, शांति से रहना है, एकजुट रहना है, और यही संदेश मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं। ठीक है सौरभ जी बोलिए। 30 सेकंड। देखिए इन्होंने पहली बात ये कही थी कि ये देश संविधान से चलता है। मेरे भाई है नाज़िम भाई, मैं स्वागत करता हूँ आपका, आपकी इस बात को मैं मानता हूँ, पूरा मुल्क मानता है, पूरा देश मानता है, लेकिन नाजिम नहीं, मैं आपकी बात का स्वागत कर रहा हूँ नाजिम भाई, मैं आपकी बात का स्वागत कर रहा हूँ, आपने अच्छी बात कही, अब सुन लीजिए, लेकिन क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर ये शरिया कानून से देश क्यों चलाने की कोशिश करते हैं? अगर संविधान से देश चलता है, जब इस बात को आप जानते हैं, मानते हैं, तो भी शरिया कानून की पैरवी क्यों करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत ही गलत बात देखिए न्यूज चैनल पर कही है, एक अपराधी, एक जिसकी अवैध संपत्ति थी, उस पर बुलडोजर चला है, लेकिन आपने उसमें धर्म ढूंढ लिया, आपने उसमें धर्म क्यों ढूंढा मेरे भाई? अगर वो अवैध संपत्ति किसी की बनाई गई थी, अवैध तरीके से बनाई गई थी, तो प्रशासन ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पहली कार्रवाई जो है विकास दुबे के ऊपर की थी, बुलडोजर कार्रवाई, तब तो किसी ने नहीं बोला। और आपके आपके लोगों अगर कोई अवैध उसमें जो है पाए जाते हैं कर्म करते हुए, और वो मैं ये नहीं कहता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन आप तो पैरवी करते हैं कि हमारा हाजी भाई है, कहां से आपका हाजी भाई हो गया भाई? वो अपराधी को आप अपना भाई क्यों बोलते हैं? उसकी अवैध संपत्ति थी, बुलडोजर चलाया। तीसरी बात देखिए, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी जो है वो हमेशा से बात करते हैं 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान हो, जितनी योजनाएं योगी आदित्यनाथ जी ने दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका लाभ हमारी मुस्लिम भाई मुस्लिम बहन भी ले रहे हैं। क्या कहीं पर भेदभाव हुआ? क्या किसी प्रकार से कोई भेदभाव हुआ भाई? आपने कभी कोई चीज के लिए अप्लाई किया हो? आपको क्या मना किया गया धर्म देख करके, धर्म ढूंढ करके? हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व इसी बात को कहते हैं कि भाईचारा सबको लेकर चलने वाली बात है, लेकिन जैसे ही अगर योगी आदित्यनाथ कोई बयान देते हैं तो कहते हैं नहीं वो मुसलमानों के खिलाफ है, चश्मा उतार दीजिए, ये गलत चश्मा लगा रखा आपने नाजिम भाई, इस चश्मे की जरूरत नहीं है, आप चश्मा उतारिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास देखिए, उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश की राह पर चल पड़ा है, और आप लोगों का भी सहयोग इसमें चाहिए। लगातार आप सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी के भ्रम में जीते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के भ्रम में जीते रहेंगे, तो अपना ही नुकसान करेंगे। आप चश्मा उतार दीजिए, आपको फायदा होगा, आपके समाज को फायदा होगा। ठीक है अनंत जी, अनंत अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मैं ये समझना चाहूंगी इस वक्त जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है और बाय इलेक्शन का जिक्र भी किया जाता है, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो एकजुटता की बात, राष्ट्र की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो लोकसभा के नतीजे रहे हैं उसमें जिस तरह से बीजेपी घटी है, और इसी घटने की वजह से अब जो है राष्ट्र राष्ट्र या फिर कटेंगे बटेंगे की बातें जो है बीजेपी चिल्लाती नजर आ रही है। देखिए अर्चना जी, 2024 के चुनाव में जिस तरीके से विरोधी दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो सपा हो, तमाम विरोधी दलों ने, इंडी गठबंधन ने एक नैरेटिव तैयार किया देश में कि संविधान खतरे में है, तो मैं अपने सहयोगी जो बैठे हुए हमारे दोनों प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान खतरे की बात करती है, संविधान की स्थापना 1950 में की गई बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा, लेकिन संविधान दिवस की किसने स्टार्ट किया? माने नरेंद्र मोदी ने। आपने संविधान के कभी बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को साकार करने का काम किसने किया? माने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी विगत 10 वर्षों में, चाहे वो किसी धर्म का किसी भी जाति का आदमी हो, उसके तमाम विकास के कार्यों को करने के लिए जो संकल्पित है हमारी सरकार, उसने काम किया। अब देखिए एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मैं प्रियंका जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका वहां अलायंस एनसी के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के फादर ने कहा है
कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो धारा 370 खत्म कर देंगे और हम अलग झंडा जम्मू कश्मीर में अलग झंडा फहराएंगे। तो क्या आप आज के टीवी के डिबेट में कहना चाहती हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं? पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अमेरिकी डिप्लोमेट्स इंडिया में घूम रहे हैं और आज उमर अब्दुल्ला और कल हैदराबाद में ओवैसी साहब जिस तरीके से मिले और देश को काटने और देश को बांटने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या उनके बयानों से सहमत हैं? उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस के गठबंधन के साथ, तो जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं सारे आतंकवादियों को के परिवार को 1 करोड़ रुपए और जो आतंकवादी जेल के सलाखों के पीछे है उसको हम निकालने का काम करेंगे। पहली बात तो आपकी सरकार आ नहीं रही है, क्या आप उनके बयानों से सहमत हैं? आप कांग्रेस के देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है एक समय में, जो कि आज खत्म होने के कगार पर है, और जिस तरीके से आप जातिवाद की बात करते हैं, आप जाति जनगणना की बात करते हैं, आपके युवराज, आपके युवराज से जब पार्लियामेंट के अंदर पूछा जाता है कि आपकी कौन सी जाति है तो उनको पेट में दर्द हो जाता है। क्यों दर्द हो जाता है? जातीय जनगणना की बात कौन कर रहा है? ये कांग्रेस कर रही है, ये विरोधी दल कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उसके सहमत में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति के ऊपर राजनीति नहीं करती है, वो देश के निर्माण के लिए राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र के निर्माण की बात करती है और जाति की बात नहीं करती है। हमारे लिए चाहे कोई भी जाति हो, आप जाति की बात कर रहे हैं, आपकी 60 वर्षों तक सरकार रही है, लेकिन हमारी जाति ने जिस तरीके से हरिजनों को, चाहे ओबीसी में, आज 27 मंत्री ओबीसी में है, क्या आपने कभी दिया? आपके युवराज पार्लियामेंट में कहते हैं कि कौन से अधिकारी जो ओबीसी है और हरिजन है, लेकिन हमने वो काम किया है। आपके युवराज को कुछ पता नहीं होता है। आप ये कहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अर्चना जी आपके माध्यम से, कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है झंडा फहराएंगे अलग से, एक राष्ट्र एक ध्वज हमारा ये संकल्प था और हमने पूरे देश को, चाहे वो गुवाहाटी जी, दीजिए जवाब, आखिर इस तरह की बयानबाजी होती है? अब देखिए राहुल गांधी का जो बयान हाल ही में आया मिस इंडिया को लेकर, उन्होंने जिक्र किया कि कोई ओबीसी की नहीं, कोई दलित समाज की नहीं है, जब मैंने लिस्ट उठाकर देखी। अब क्या मिस इंडिया, ओलंपिक, खिलाड़ी, इन तमाम चीजों में भी आप जाति ढूंढेंगे कि किसकी जाति क्या है? इस तरह के बयानों को आप नहीं जाति के आधार पर देख रहे हैं? अर्चना जी, ये समाज का एक सत्य है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए जो देश में 90% है।